Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is Phylum Echinodermata under Animal Kingdom. इससे पहले भी हम बहुत सारे फाइला के बारे में पढ़ चुके हैं. वहाँ भी हमने डील किया था कि विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया उसके हिसाब से हम पांच किंगडम में डिवाइड करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म को, और उसमें से एक किंगडम है एनिमल किंगडम. तो किंगडम में तो आ गया एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल आएंगे जो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर. उसके बाद हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें सबसे पहले सबसे सिंपल तो आ जाते हैं जिनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स होती हैं और वो टिश्यूज नहीं बनाती हैं. फिर दूसरे आते हैं टिश्यू लेवल पर, फिर आते हैं ऑर्गन लेवल, और जो सबसे डेवलप्ड हैं उनमें आते हैं ऑर्गन सिस्टम. इनमें वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम होता है. सेलुलर लेवल में हम फाइलम पॉरीफेरा पढ़ चुके हैं, टिश्यू लेवल में हम सीलेंटेटा और टिनोफोरा पढ़ चुके हैं, ऑर्गन लेवल में हमने प्लेटी हेलमेंथिस और एस्क हेलमेंथिस ये पढ़ लिया है. ऑर्गन अभी हमने इसमें ऑर्गन सिस्टम में भी पढ़ा है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और अब हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में ये आएंगे. बाकी के लिए भी आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको बाकी सारे फाइला के बारे में प्लस ये क्या होते हैं, किस तरह से ये हम इनको क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन की, और ये जो टर्म्स हैं ये सारे वहाँ पर हमने समझाए हुए हैं अलग अलग वीडियो में, तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं. यहाँ पर हम ले रहे हैं केवल ऑर्गन सिस्टम में, और इसमें जो होता है आगे चल के ये होता है सिमेट्री. जो क्लासिफिकेशन फर्दर करते हैं हम उसको, उसमें सिमेट्री देखते हैं हम, तो ये होती है बाइलेटरल, इसमें है बाइलेटरल. बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि यदि हम बीच से डिवाइड करें तो वो लेफ्ट और राइट पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में बढ़ जाती है. उसके बाद हम लेते हैं सीलोम. सीलोम भी हम डिफाइन कर चुके हैं, बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोटर्म. तो इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो सीडोसीलोमेट और एक सीलोमेट. सीडोसीलोमेट में तो एस्फेलमेंथिस पढ़ चुके हैं, सीलोमेट में यहाँ पर हमें, और ये सब क्या होते हैं, जर्म लेयर्स. इसमें कितनी होती हैं, तीन जर्म लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीन जर्म लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म. तो ये जितने भी हैं ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, माने इसमें तीन लेयर्स, तीनों लेयर मेसोडर्म इंक्लूडिंग होती हैं. अब इसमें जो फाइला आते हैं उसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा. तो यहां पर हो गया ये इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसके ये करेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता चल जाएंगे. क्या क्या करेक्टरिस्टिक, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ये तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है. इसमें एक खास बात है इकाइनोडर्मेटा में कि यहाँ पर लार्वी जो होते हैं
वो तो बाइलेटरल होते हैं, लेकिन जो इनके एडल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेडियल सिमेट्री होते हैं। इसमें यहाँ पर ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, टिश्यू लेवल में यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है, फिलम टेट्रा वगैरह में हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी है। तो इकाइनोडर्मेटा में एक खास बात आ जाती है कि इनके लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री होती है उनमें, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल और एडल्ट में। तो यहाँ पे ये जो करेक्टरिस्टिक्स आ गए ऑर्गन सिस्टम और ये सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक इकाइनोडर्मेटा के ये करेक्टरिस्टिक्स ये हमें मिल जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में कि इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या करेक्ट ऑप्शंस हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट और ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बस ये बाइलेटरल की जगह पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बाकी सब में जितने भी आएंगे यहाँ एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा सब में ये बाइलेटरल होगा, केवल इकाइनोडर्मेटा में यहाँ पर ये खास अंतर हो जाता है कि यहाँ पर क्या होता है लार्वा बाइलेटरल बट एडल्ट में जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, वो होती है रेडियल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रेडियल सिमेट्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, ये किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, फाइला के चॉइसेस दिए हुए थे कि एडल्ट में किसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, तो यदि इकाइनोडर्मेटा आता है तो हमें रेडियल सिमेट्री ही लिखनी है एडल्ट में, जब तक कि वो स्पेशली लार्वा का बारे में नहीं पूछेगा। तो लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है लेकिन एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, ये क्वेश्चन 2022 में आया। तो ये तो हो गए इसके चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से हो गए क्लासिफिकेशन से ही, जैसे कि हमने हर एक फाइला में ये क्लासिफिकेशन बार बार रिवाइज किया है जिससे ये करेक्टरिस्टिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आपको याद नहीं करना पड़ेगा यदि आपको ये क्लासिफिकेशन ठीक से समझ में आ गया। तो ये फाइला की करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, पहला तो क्या है, इकाइनोडर्मेटा इसका नाम ही है और इकाइनोस माने होता है स्पाइनी और डर्मा मीन्स होता है स्किन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका पहला करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, स्पाइनी स्किन एनिमल। तो ये क्या हो गए, इनके स्किन पर स्पाइन्स होंगे, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तब देखेंगे कि ये क्या है, ये स्पाइनी एनिमल्स हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, स्पाइनी एनिमल्स कौन से होते हैं, या इकाइनोडर्मेटा करके आ जाएगा वो भी आ सकता है। और इनका एंडोस्केलेटन जो है अंदर, जो इनकी बॉडी को शेप दे रहा है अंदर से, एक फिक्स शेप है बॉडी की, वो किसका बना, वो उसमें क्या है, कैल्केरियस, इसमें कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं, जैसे हमारे में बोन्स होती हैं वहां पर ये इस तरह के ऑसिकल्स होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि इसके बॉडी को शेप देते हैं। अब फिर एक और इम्पोर्टेंट इसमें चीज आती है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू इकाइनोडर्मेटा आर मैराइन, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, नो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी इकाइनोडर्मेट्स हैं सब क्या है, मैराइन है, मतलब सी वाटर में मिलते हैं और कोई भी एनिमल फ्रेश वाटर में या टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स इसके नहीं है। अगला फिर बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम
हेल्प्स इन किस किस काम के लिए इम्पोर्टेंट है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पॉरीफेरा में होता है वाटर कैनाल सिस्टम, वहाँ पर कैनाल ऑसिकल्स होते हैं और फिर वो कैनाल से बॉडी की बॉडी पूरी बॉडी में वाटर का फ्लो करते हैं। यहाँ पर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है 2012 में और 2021 क्वेश्चन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसको वाटर कैनाल सिस्टम से कन्फ्यूज नहीं होना है, इकाइनोडर्मेटा में है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका काम क्या क्या होता है? ये लोकोमोशन में मदद करते हैं, इसमें फीट होते हैं कुछ उस तरह के और फिर वो उनको ट्यूब फीट और उससे ये लोकोमोशन करते हैं, पानी से भर जाता है और फिर उससे ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन में कोई और ऑर्गन नहीं है इसमें, और ये जो है वाटर जैसे फ्लो करता जाता है वैसे उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं सेल्स और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। तो इस तरह से ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सिस्टम कंप्लीट में के का मतलब क्या होता है कि एक ही ओपनिंग नहीं होती, दो ओपनिंग होती है, माउथ के लिए अलग ओपनिंग होती है और एनस के लिए अलग ओपनिंग होती है। जो ज्यादातर ये माउथ किस साइड में होंगे? माउथ ऑन वेंट्रल, माने जो नीचे की साइड होगा लोअर कह सकते हैं, और एनस जो होता है ऑन डॉर्सल या इसको अपर भी कह सकते हैं। जैसे स्टारफिश हम देखते हैं, स्टारफिश होती है तो इसमें क्या होगा, यहाँ इस तरह से में ये तो स्पाइन्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी स्पाइन्स की, ये डॉर्सल साइड है और इसी को हम यदि पलट देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये ट्यूब्स, यहाँ पे ये ट्यूब फीट होती हैं इसकी। तो ये तो हो जाएगा माउथ, क्योंकि ये क्या है लोअर साइड वेंट्रल साइड, और जो ऊपर से दिखेगा यहाँ पर ये क्या होगा, एनस होगा। ये आर्म्स हैं, और इसमें ये सेंट्रल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, और इसी रेडियल कैनाल पर जो है यहाँ पर ये ट्यूब फीट लगे रहते हैं जो सक करते हैं, पानी को सक कर देते हैं जिससे कि, और यही से पानी जब ये लेके और टर्जिट हो जाते हैं तब ये मूवमेंट में भी मदद करते हैं, चलने में भी मदद करते हैं। ये है ट्यूब फीट। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें माउथ और एनस दोनों अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में होगा नीचे की ओर, और यदि हम ऊपर से देखते हैं तो हमें जो दिखाई देगा सेंटर में वो क्या होगा, वो होगा एनस। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यदि एक ही ओपनिंग होती है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो होता है इनकम्प्लीट। ज़्यादातर पैरासाइट्स वगैरह में होता है क्योंकि वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना ज़्यादा वेल डेवलप होने की ज़रूरत नहीं होती।
फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड पार्टिकल्स, क्योंकि ये मैराइन है, पानी में मिलते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से, अपने आर्म्स को यूज करते हैं कैप्चर द फ्लोटिंग फूड पार्टिकल्स। आर्म्स जो होती है पाइप दिखाई देती स्टारफिश में, आर्म फॉर कैप्चरिंग फूड पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये इनका डाइजेशन होता है। और इसमें अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के लिए कोई भी इसमें ऑर्गन नहीं होता। फिर सेक्सेस सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। फीमेल में एग बनेगा, मेल में स्पर्म्स बनेगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, वो वाटर में होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि बॉडी के बाहर पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट जो है, जब जायगोट बन जाता है उसके बाद क्या बनता है, लार्वा। मतलब डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। मतलब एग्स जो जायगोट है उससे क्या बनेगा, लार्वा, और फिर लार्वा चेंज होगा वो जो है एडल्ट में बदलेगा। तो ये जो है इसमें खास बात क्या है कि इनडायरेक्ट है, और लार्वा जो है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग। अलग अलग नाम है लार्वी के, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि ये लार्वा जो है फ्री स्विमिंग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020। तो ये इकाइनोडर्मेटा में ये लार्वा, और ये लार्वा क्या होगा, इसमें ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी, और जो एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री हम देख सकते हैं, अभी इस डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे। हमने स्टारफिश की तो देख लिया, स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री है, और जो उनके लार्वा होते हैं उनमें फ्री स्विमिंग होते हैं, वो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एग्जांपल में इसमें तो एक तो स्टारफिश ही आ गई, फिर उसके बाद पहली एग्जांपल तो एस्टेरियाल, ये क्या हो गया, स्टारफिश। फिर दूसरा एग्जांपल इसका है इकाइनस, ये है सी अर्जिन। सी अर्जिन ये इस तरह से होता है, ये घूम गया यहाँ पर, क्योंकि हमने स्पाइनस पढ़ाई है तो इसमें स्पाइन्स होंगे जरूर।
बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं। और यहाँ पर जो है ये ट्यूब फीट होती है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के लिए ये हो गए ट्यूब फीट। ये है स्पाइन, ये है ट्यूब फीट, और यहाँ पर माउथ के ओपनिंग होती है, ये माउथ है। तो इस तरह से ये सर्कुलर होते हैं और इसमें स्पाइन जो है पूरा बॉडी में स्पाइन्स होते हैं। कैलकेरियस बॉडी होती है। फिर है एक एंटीडोन। एंटीडोन ये है सी लिली। ये बिल्कुल लिली के फ्लावर की तरह ही होती है, देखने में ये लिली का फ्लावर लगती है इस तरह से। फिर इसमें ये आर्म्स होते हैं। ये आर्म्स हैं, यहाँ पर माउथ, ये है सीरियल। फिर है एग्जांपल मेरिया। कुकुमेरिया ये है सी कुकुम्बर। इनका शेप जो है वो बिल्कुल कुकुम्बर की शेप का ही होता है, ये इस तरह से होंगे। और यहाँ पर एनस होगा और यहाँ पर माउथ होगा, इस तरह से ये जो है वो टेंटिकल्स होते हैं। स्ट्रक्चर होता है खास तरह से, जिससे वो पानी को सक भी कर सकते हैं, पानी को सक करते हैं। ये है ये देखने में कैसा है, कुकुम्बर जैसा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सी कुकुम्बर कहते हैं। फिर है एक एग्जांपल ऑफ यूरा। स्टार फिश की तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है, और इसमें जो आर्म्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, होगा इसके आर्म्स, और इन आर्म्स के ऊपर फिर ट्यूब फीट होती है। इस तरह से ये
ये हो गई 2 feet, ये है स्पाइन्स, ये है सेंट्रल रिस, और ये है माउथ। इसमें भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम होगा यहाँ पे, इस तरह के ये स्पाइन्स और ट्यूब फीट हर एक आर्म में होती है, ये जो है सब जगह ये इस तरह के ट्यूब फीट है और यहाँ पर ये स्पाइन्स। ट्यूब फीट जो है ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस तरह से ये इकाइयों डर्मेट्स होते हैं, और ये इसमें खास बात यह है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वेस्ट और रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है। तो ट्यूब फीट जो है इनका मेन काम होता है। आशा है समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप देख सकें।